नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी गालिब जैसा जीऊं, कभी बन जाऊं रूमी। छोड़ा सीना ताने अंदर से मशरूमी, कभी गालिब जैसा जीऊं, कभी बन जाऊं रूमी। दीवाना बनके भी मैं मस्ताना रहता हूँ, सब जान के भी पहचान के भी अनजाना रहता हूँ। ओए दिल्ली साडा मूड, सड़कों पे आता जाता मैं, दिल के गुब्बारे बांटता हूँ। तुन दुनिये पे गीत हूँ गाता, करता हूँ जगराता। मुझे आशिकी है अपने से, अपना ही झंडा फहराता। पीछे मुड़ कर देखे दूजे जो एक बार गया उड़। ओए दिल्ली, ओए दिल्ली, ओए दिल्ली, दिल्ली 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 साडा मूड। मचाता रहता साइलेंसा मैं मोबाइल, फ्लेवर वाले हैं तेवर, सुपर वाला है स्टाइल। ओ, 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 शोर मचाता रहता साइलेंसा मैं मोबाइल, फ्लेवर वाले हैं तेवर, सुपर वाला है स्टाइल। हर एंगल से हो ऐसा क्या देखता है बे तू, हर एंगल से हो ऐसा क्या देखता है बे तू। ओ दिल्ली साडा मूड, ओ दिल्ली।
नहीं है रस्सी। अबे कहाँ जाती तुम्हारा पैर की पॉकेट में देकर चूस के। अरे हाथ बंद करिए। तेरा। जल्दी कर, जल्दी करना बे। निकाल, निकाल ना बे। पकड़ इसको। हट हाथ दिखा, पकड़ना इसको। अबे लौंडिया चाट है। अबे धीरे से मार दे। थोपड़ा बिगड़ गया तो शादी कौन करेगा? सर थोड़ा पानी तो डाल दीजिए। और रहन दे यार, इतना पानी तो विस्की देख के मुंह में ही आ जाता है। अरे ये चूचे यहाँ कहाँ से आ गए? जरा लाइट ऑन कर द्विवेदी। हाँ जी सर। और देख क्या कौन है भाई? और देख और चल बैठ बैठ और बैठ जरा। ठीक तो तुम लोग? कौन थे वो लोग भाई? साहब जबरदस्ती का केस लगता है। और यहाँ हॉस्पिटल कौन सा है नजदीक? ले चल यार, ले चल उठा। घबराओ मत मैडम, अभी आती ही होंगी। अरे मैडम जल्दी से निपटाइए इन्हें, लफड़े वाला केस है। वो हॉल की ट्यूबलाइट कब से बंद है, उसे ठीक करवाइए। जाइए। जी जी जी। तो अंदर चले। आइए चलिए। मॉर्निंग डॉक्टर। वो सब ठीक जी? ओ हुआ क्या? वो लड़की आपसे माफी क्यों मांग रही थी? ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, ये दोनों खुद आ जाएंगे 2-3 दिन बाद पुलिस स्टेशन अपना बयान देने। सो ये रहा इनके घर का एड्रेस। वैसे अभी इस वक्त ये दोनों इस हालत में नहीं है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सके। वैसे डॉक्टर हमारे यहाँ ना लेडी इंस्पेक्टर भी है। इंस्पेक्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड। नो प्रॉब्लम मैडम जी। और दिल्ली पुलिस इज सर्विस बाउंड, आई मीन सर्विस बाउंड जी। ओ कोई गल नहीं, ओ चलो पुत्र आओ भी। Thank you.
देवी उठ जा, अभी ये कपड़े निकाल दे, अपने नहा ले। देवी उठ, अभी क्या देख रहा है तू? क्या हुआ है तुझे? सुन, कुछ सोच मत, मैं हूं ना, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है तुझे। तो उठ, खड़ा ना, क्या अपन काम पे चलते हैं, अपन सब संभाल लेंगे। ये पट्टी घाव सब निकल जाएगा मेरे भाई, अपन फिर पहले की तरह। बस हो गया नाटक, भूल जा, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, अपन काम पे चलते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। तू उठ अभी, उठ जा, आ जा। देवी, देवी उठना, और इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? इतने दिनों से कॉल पे कॉल कर रही हूँ, कॉल नहीं उठा रहे हो, कॉल बैक भी नहीं करते हो, प्रॉब्लम क्या है? ये ऐसे क्या हुआ? देवी, देवी एक्सीडेंट हुआ क्या? हाँ देवी, देवी तुम्हारे गले पे क्या हुआ है? कोई मुझे बताएगा ये हुआ क्या है?
पुलिस को पता चला कौन थे वो लोग? पुलिस? हम पुलिस के पास नहीं गए। नहीं गए? पर क्यों संजू? रिपोर्ट तो दर्ज करवानी होगी ना। कोई नहीं सुनेगा संध्या। बोलूंगा क्या पुलिस से मैं कि हम उस रात लड़कियों के कपड़े में थे? पूछेंगे तो क्या बताऊंगा उन्हें? सच सच बताओगे? उस रात तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, तुम पुलिस को भी वही बताओगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी परेशानी और नहीं बढ़ानी है। देवी की हालत तो देखो। तो क्या सारी जिंदगी इसी घर में रहोगे? हाँ, और उन लोगों का क्या जिन्होंने तुम्हारी और देवी की ऐसी हालत की है? उनकी गलतियों की सजा अपने आप को दोगे? चलो संजू, चलो हम पुलिस में जाते, वो समझेंगे। जी रिपोर्ट लिखवानी है, रेप अटेम्प्ट हुआ है, ये मेरे दोस्त हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकंड। ओ भाई द्विवेदी जी, ओ भाई जरा सविता मैडम को तो बुला दो। रूल है रेप और अटेम्प्ट टू रेप, भाई दोनों ही सिचुएशन में विक्टिम का बयान फीमेल सबॉर्डिनेट ही लेते हैं, क्या है ना जी, कंफर्ट बना रहता है। भाई हमारा क्या है, हम तो बैठे ही आपकी सहूलियत के लिए। हाँ जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बताइए क्या लेंगी आप? नहीं कुछ चाय शाय ठंडा वंडा मंगावा? हाँ जी। देखिए रेप अटेम्प्ट मुझ पे नहीं इन पे हुआ है, ये मेरे दोस्त हैं संजू, और उस रात को ये ओ मैडम दिमाग खराब हो गया आपका, और रेप लड़कियों पे होता है और लड़कों पे नहीं होता। सर आप प्लीज आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। ओ भी माफ करो यार, और जो चीज हो ही नहीं सकती, और कानून में लिखा है, और उस पे बहस क्यों कर रहे हो? कानून के साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है। भाई चल दफा हो यहाँ से, और क्यों लिखाने तूने रिपोर्ट है? और यहाँ मजाक चल रहा है? और देखो मैडम जी, आप हमारे अच्छे नेचर का ना नजायज फायदा ना उठाओ जी। देखिए आप प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, उस रात ये लड़की के कपड़ों में बाहर निकले थे और इसी वजह से। दुर्फिटे मुंह, ओए तुझे शर्म नहीं आती है? बता बता क्या हुआ था तेरे साथ, ओ बोल। सर मैं और मेरा भाई देवी, हम लोग 15 अगस्त की रात को नजफगढ़ द्वारका रोड पे खड़े थे, मतलब सवारी का इंतजार कर रहे थे। फिर इतने में सर अचानक से एक वैन वहां पे आके रुकी, उसमें से कुछ लोग बाहर निकले और हमें गाड़ी के अंदर धकेल दिया। फिर क्या हुआ गाड़ी के अंदर? उन्होंने हमें बहुत मारा। दोनों को मारा? जी। और क्या हुआ, कहीं हाथ वाथ लगाया, कुछ फीलिंग हुई? सर उन्होंने हमारे कपड़े फाड़ दिए। तो रेप ही कर डाला? साहब रेप नहीं। आप प्लीज लेडी कांस्टेबल को बुलाइए। हो जी लेडी कांस्टेबल क्यों, गायनाकोलॉजिस्ट भी बुला देता हूँ, और आप कहिए तो टू फिंगर टेस्ट भी करा देता हूँ। सर हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारे हाथ बांध दिए थे। फिर सर अचानक से वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आ गई, जिसे देख कर वो लोग डर गए और हमें गाड़ी से बाहर फेंक दिया। सर देवी मेरा भाई, उसका सर एक पत्थर से जा टकराया, उसकी हालत बहुत खराब है। ओए तेरी माँ दी, ओए उस दिन तुम दोनों थे हॉस्पिटल में और हम समझ रहे थे। ओए उठ, ओए चल उठ, ओए लड़की के कपड़े पहन के कहता है रेप हुआ है तेरे साथ, और चल दफा हो यहाँ से। समझने की कोशिश। ओ मैडम जी आप तो बीच में ना ही बोलो जी, और यहाँ नौटंकी चल रही है, ओए चल निकल यहाँ से। आप बिना एफ आई आर लिखे हमें यहाँ से नहीं भेज सकते, काम है आपका हमारी मदद करना। और हमें बताएगा हमारा काम क्या है? और द्विवेदी और बाहर निकाल इसे अभी। चल चल चल, हमारा काम सिखाएगा हमें ये, और बड़ा आया काम बताने वाला। और द्विवेदी सर, और मुबारक हो भाई, पैंचोर लौंडा हुआ है। जी सर आपने मुझे बुलाया। हाँ बे चाय पीनी है? Thank you.
संजू, इस शहर में ये लोग अकेले नहीं है। चलो मुझे घर जाना है। पर क्यों? चलो यहाँ से, ये सब चीजें कुरेद रही हैं मुझको। संजू भाड़ में गए सब, ये एनजीओ पुलिस मुझे और मेरे भाई की हेल्प नहीं कर रहे हैं। मुझे इन सब में नहीं पढ़ना, मैं नहीं चाहता कि मैं इनके सवाल जवाब के चक्कर में फंसूं। संजय शर्मा, आई एम सॉरी बट योर ब्रदर इज इन कोमा। कोमा में? लेकिन सुबह तक तो देवी बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक से कैसे? उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई डोंट थिंक ये अचानक से हुआ है। इन माय ओपिनियन उनके सर के अंदरूनी हिस्से में ब्लीडिंग की वजह से क्लॉट्स डेवलप हुए हैं। व्हाट इज इवन मोर ट्रबलिंग इज दैट हादसे के ट्रॉमा ने शायद उसे मल्टीपल क्लॉट्स में डेवलप कर दिया हो। तो अब क्या करेंगे हम? डोंट वरी, हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और देखेंगे कि उनकी बॉडी मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड करती है या नहीं। लेकिन अगर डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले तो हमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। मोहब्बत कवे बार दरिया है तू, सुना है कि सुनता है तू, कब से पत्थर सा दिल हुआ तेरा। घर चलते हैं। इबादत घर चलेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। यहाँ सर झुकाए करूं, अजानों पे सजदे करूं, सच में खुदा तू मेरा हो जा। रूबरू तो चैन से सुकून से मरूं, हो जा रूबरू के आखिरी सांस मैं भरूं, हो जा रूबरू तो चैन से सुकून। डॉक्टर से बात करी है मैंने, कल उन्होंने रिपोर्ट्स लेके बुलाया है। सेकंड ओपिनियन लेना ठीक रहता है ना संजू? जब तक तुम देवी के साथ हो वो कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा इधर देखो इधर। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है देवी, इसका नाम है संजू। देवी? अरे देवी तो लड़कियों का नाम होता है। इसका नाम देवर्ष है, पर ये मुझे देवी बुलाता है। अरे वो नाक पे क्या नाक लगी है, देखो तो। चलो 1 2 3 चीज़।
देवी करंट मेडिकल सिचुएशन इज क्वाइट सीरियस फ्रेंकली ऐसी हालत में पेशेंट का कोमा में जाना उसके सर्वाइवल चांसेस को ड्रास्टिकली ड्रॉप कर देता है तो हम कुछ और ट्राई नहीं कर सकते क्या इट्स अ वेटिंग गेम मुझे नहीं लगता इसे ज्यादा कुछ किया जा सकता है योर ब्रदर्स ट्रीटमेंट इज ऑलराइट बट देवी जिस सिचुएशन में है वहां से ज्यादा ऑप्शन निकल कर नहीं आना सब खत्म हो गया सब कल तक सब सही था मैं तुम देवी आज मेरे पास कुछ भी नहीं है साला कोई उम्मीद ही नहीं है डॉक्टर्स देख रहे हैं ना देवी को कुछ नहीं हुआ है देवी नहीं बचेगा वहां हॉस्पिटल में बिस्तर पे जो लेटा है वो देवी नहीं है वो नहीं है मैं नहीं हूं बस मेरी वजह से मेरा भाई खोया कहां ढूंढूं मिस्टर संध्या दुनिया के लिए बड़े होते होते हम लोग बड़े हो गए लेकिन एक दूसरे के लिए हम वही थे बचपन वाले हमारी कहानियां एक थी हमारे राज हमारे झगड़े सब एक ही थे ये दुनिया खा गई इसे रात के अंधेरे में खो गया मेरा भाई अपना सब धुंधला दिख रहा है कितनी भी कोशिश कर लूं उसका हाथ छूटता जा रहा है ये घाव दिख नहीं रहा लेकिन हर रोज गहरा होता जा रहा है कैसे वापस लाऊं मैं उसे काटने को दौड़ता है घर ये अब मैं कहां जाऊं खुद को समझा के मैं थक गया हूं कि सब ठीक है असल में हम एक कैद में फंसे हुए हैं वो कैद जो हमने खुद ही बनाई है खुद को ही कैद करने के लिए आज बहुत गर्मी है तुम्हें नहीं लगता रात दिन अंदर बाहर चलता है ये ऐसा लगता है अभी कोई नोच रहा है खुद से डरते भी है और खुद तक गुस्सा भी आता है मन करता है सबको तोड़ दे ये पुलिस डॉक्टर एनजीओ इन सबको हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है बहरों के शहर में रहते हैं हमें चिल्लाना होगा संध्या अगर इस कैद को नहीं तोड़ा तो हम टूट जाएंगे पर मैं तो तुम्हारी आवाज सुन सकती हूं ना तुम और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं मुझे कोई और इतना खुश नहीं रख सकता मुझे हमारी दुनिया कैद नहीं लगती है Thank you.
आधी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह ठीक नहीं है बेटी, जाना कहाँ है? आगे ही मेट्रो स्टेशन है, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगी, आ जा। सीधे ही घर जाना। क्या मच्छर सुने नहीं क्या? बम्बई, दिल्ली, मद्रास सभी जगह बड़े बड़े लोगों के घर पर घुस घुस कर मारा इन मच्छरों ने। फिल्म स्टार नेता डॉन किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, कौन है वहां? ओए क्या हुआ? ओए कौन है? ओ मैडम जी, ओ क्या बात हो गई भाई? अरे सर, ये वही लड़का है जिस पे रेप अटेम्प्ट हुआ था। क्या? ओ एक बार में तेरा मन नहीं भरा और जो दोबारा फिर मुंह उठा के चलाया। ओए चल दफाओ यहाँ से। ओए ओ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ओ जाओ ओ मारो साड़े के पिछवाड़े पे। ओए खामा खा टाइम खराब कर रहा है और खुद तुझे मुंह बना के चलाया। ओ देख क्या रहा लगा साड़े के पिछवाड़े तो। साड़े दोबारा मत दिखाई दियो और वरना न लड़का न लड़की बनने के काबिल छोड़ूंगा। क्या है? कौन है तुम? क्यों पीछा कर रहे हो? बोलो। एक सेकेंड। मैंने देखा जो पुलिस स्टेशन में हुआ वो। मेरी बात सुनो, मेरा नाम विशाल रावत है, मैं एक रिपोर्टर हूँ। फोटो यहाँ से। तुम्हें मेरी जरूरत है, इधर चिल्लाकर कुछ नहीं होता। मैं सब तक तुम्हारी आवाज़ पहुँचा सकता हूँ। नया केसरी, डेली स्टैंडर्ड, तेज समाचार, बड़े बड़े न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। पहचान सॉलिड है। अरे मैं कोई हीरो बनने का ट्राई नहीं कर रहा हूं, काम है मेरा। क्या बोलते हो? सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी दुनिया के सामने आए तो मुझे कांटेक्ट करना, ये मेरा कार्ड है। कुछ छुपाना मत मुझसे कभी भी, सुना? तुम जाओ, चली जाओ अपने हॉस्टल। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। तुम्हें मुझसे घिन आती होगी, डर भी लगता होगा। नहीं, संजू, पहले सब कुछ कैसे सही था ना, और मैंने सब बिगाड़ दिया। पागल हो क्या? हाँ? तुम्हें क्यों समझ नहीं आता, चीजें पीछे नहीं हमेशा आगे चलती हैं। वापस ऐसा कभी मत करना। मुझे तुम चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मुझे मदद चाहिए संध्या। दिन के बाद लगा नहीं था तुम यहां मिलोगे। खैर, तैयार हो तुम?
क्योंकि जब तुम अपना ये पिटारा खोलोगे सभी आएंगे नोचने। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, डर के कदम नहीं उठा रहा। ठीक है चलो। तो 15 अगस्त को हुए चौंकाने वाले हादसे ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के दो भाई जो देर रात लड़कियों के पोशाक में नजफगढ़ द्वारका रोड पे खड़े थे, उनके ऊपर रेप की कोशिश की गई। ये खबर हमारे समाज और समाज से जुड़ी सभ्यता पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। What is the police doing? Why aren't they finding the culprits and punishing them? Justice should be done. गलती समय की है, उनका समय खराब था। न्याय तो मिलना ही चाहिए। नहीं गलत है साहब, ये सब पहन के निकलेगी तो लड़का मतलब ये होना ही है। Justice should be done. Justice should be done. क्यों भाई लोगों? लड़का हो या लड़की उससे फर्क नहीं पड़ता, जस्टिस शुड बी गिवन टू द पर्सन। इसका जवाब या तो ये समाज देगा या उससे जुड़े संस्थान। क्या मजाक बना रखा है ये, बंद करो यार। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, इतने दिन से एक ही तमाशा चल रहा है, कब सुधरेंगे ये मीडिया वाले? प्योर मोकरी है जी, हमारा टाइम, कोर्ट का टाइम, टैक्स वेस्टेज। ईश्वर जी, स्टेनोग्राफर को बुलाइए अभी। ईश्वर जी, स्टेनोग्राफर को बुलाइए अभी। अगस्त 2016 की रात को घटित एक घिनौनी, अनैतिक और आपत्तिजनक अटेम्प्टेड गैंग रेप की न्यूज रिपोर्ट के आधार पर प्राइमा फेसी कॉग्निजेंस लेकर खुद से संज्ञान लेने का नोटिस जारी किया जा रहा है। एक संवैधानिक न्यायालय संविधान के आर्टिकल 226 की पावर मिलने के बावजूद एक मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती। बलात्कार या बलात्कार करने का प्रयास एक भारी अपराध है। रजिस्ट्री को आदेश दिया जाता है कि इसको सुओ मोटो रिट पेटिशन के तहत रजिस्टर किया जाए। पुलिस कमिश्नर दिल्ली सिटी को कंसर्न पुलिस स्टेशन के सीनियर मोस्ट पुलिस इंस्पेक्टर के जरिए जांच के जल्द से जल्द निष्कर्ष निकालने के आदेश दिए जाते हैं, और अगर जांच अधिकारी को जांच के दौरान पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो चार्जशीट फाइल होने पर ट्रायल जज को डायरेक्शंस हैं कि वो 1 महीने के अंदर एक फास्ट ट्रैक ट्रायल शुरू करें। एक शीघ्र और निष्पक्ष जाँच समय और देश की मांग है। 15 अगस्त की रात को हुई बहुचर्चित अटेम्प्ट टू गैंग रेप वारदात में दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस अहमद अली ने मीडिया रिपोर्ट्स को आधार मानते हुए स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो नोटिस दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस को जारी किया है। द दिल्ली हाई कोर्ट जज अहमद अली टुक द नेशन बाय सरप्राइज बाय हिज डिसीजन टू टेक सुओ मोटो ऑन द एलिजेड शर्मा ब्रदर्स अटेम्प्ट टू गैंग रेप केस।
one of the brothers is seriously injured and the other has been trying to fight for justice. But police inaction has led to a delay in the investigation proceedings as at first they even refused to register an FIR. ये वही केस है जिसमें दो लड़कों को लड़कियां समझकर उठाया गया और उनके साथ रेप करने की कोशिश की गई। इनमें से एक भाई आज हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है और दूसरा इंसाफ के लिए। लेकिन पुलिस ने इस केस की एफआईआर को दर्ज करने से मना करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन को बहुत पीछे ढकेल दिया है। कुछ हुआ क्या साहब? कमिश्नर साहब बहुत टेंस लग रहे थे। दूसरी बीवी भी छोड़ गई क्या? और कुछ नहीं भाई, और काम आ गया तो मुझे याद कर रहे थे। और वही स्त्रीलिंग पुरलिंग वाला लौंडा और सुओ मोटो आ गया। और ये जज भी ना सठिया गया है और मरने की हालत में देश देश खेलने निकला है। क्या? और कुछ नहीं। और सुना भाई तुमने? यस सर। जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो और मुझे डेली रिपोर्ट करते रहना। यू अंडरस्टैंड? यस सर। संजू देखो, देवी सिचुएशन हैज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर। हमें सर्जरी करनी पड़ेगी जल्द से जल्द। एक रिक्विजिट प्रोसीजर है, कुछ फॉर्म्स फिलअप करने होंगे। नर्स से डिटेल्स ले लेना। ठीक है। हेलो संजू शर्मा, ताहिर मलिक नजफगढ़ पुलिस स्टेशन। मैं तुम्हारा एफआईआर लिखने आया हूँ। लड़की बनके दूँ? ये लड़का बनके? ये अपने भाई को उठा के पूछूँ? संजू सॉरी सर। किस बात के लिए सॉरी कह रही हो? उस दिन जब पुलिस स्टेशन में हमारी इज्जत उतार कर नंगा करके बाहर कर दिया था उसके लिए सॉरी कह रही हो, या फिर उसके बाद जिन्होंने मेरे साथ किया था उसके लिए? संजू मैं जानती हूँ उस दिन पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मगर यही एक मौका है हमारे पास उन लोगों से बदला लेने का। और तुम्हें भी तो यही चाहिए था ना? देखो संजू, गलत को सही बनाने के लिए मुझे तुम्हारे स्टेटमेंट और कोऑपरेशन की जरूरत है। ओके? मलिक साहब, उत्तम नगर पुलिस स्टेशन से संजू देवी के केस के सर्कुलर पर जवाब आया है। उसी रात घटनास्थल पर हुए एक्सीडेंट की ये केस फाइल है। रिपोर्ट में गाड़ी का नंबर भी है। मैं बाद में बात करता हूँ। जैन साहब। अच्छा किशन, गाड़ी कहाँ है? कौन सी अब गांड तेरी, गाड़ी कहाँ है? क्या पहली बार लोकअप आया क्या तू? तभी तो अब चूतिए, तेरे को क्या इधर तरफ वैक्स स्टैचू बनवाने को बुलाया है? सब बता दिया है बाकियों ने, गाड़ी के अलावा बाकी सब कुछ बता दिया है। पता है ना क्या पूछ रहा हूँ? 15 अगस्त की रात को जो आज़ादी ठोक रहे थे उस रात की गाड़ी कहाँ है? अबे इधर इधर हाथ नीचे, अबे इधर। अरे तू अच्छा आदमी है रे, मैं तुझे मारूंगा नहीं, नहीं मारूंगा, बिल्कुल नहीं मारूंगा। तू मुझे बस इतना बता दे कि उस रात की गाड़ी कहाँ है। बता। मुकुंदपुर में चाचा का फार्म हाउस है, वहीं पड़ी है उस रात से। अच्छा, और कौन था गाड़ी में? सुन, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, तू विटनेस बन जा, सस्ते में छूट जाएगा, वरना उनकी तो लगनी लगनी है बेटा, तेरी भी ठुक जाएगी। अग्रवाल का बेटा यश, उसका दोस्त सनी, कैलाश में क्लब है उसका, और सैंडी भी था क्लब का बाउंसर, और एक ड्राइवर भी था नट्टू। एक टीम भेजो फटाफट। जी सर। और गाड़ी मिले तो कॉल करना। सर। और किशन, चाय पिएगा? एक और पी ले। पता है मुझे हकले बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी नहीं पसंद है हकले। सो ये चार्जशीट मैंने टाइप करवा दिया है। वेरी गुड। ओए, तुझे तेरा काम समझ में नहीं आता? और न्यूज में, मीडिया में, और लोग पागल हैं जो गैंगरेप गैंगरेप चिल्ला रहे हैं। ओ भाई, अबडक्शन, किडनैपिंग और मारपीट के साथ
गैंग रेप भी इंक्लूड करो। पर सर इसमें गैंग रेप नहीं आ सकता। भाई जितना कहा है ना उतना कर, ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, समझा? और वहां पे बैठे हुए जो गुरु घंटाल चिल्ला रहे हैं ना, और डाल इसमें, कोई प्रॉब्लम है? नो सर, मैं चेंज कराता हूँ। ठीक है, चल जा। The court has ordered to release the accused on a bail of rupees 5 lakhs each. Outside the court, the defense stated that the prosecution has no case and that the case holds no water. और भाई सुना है जादू वादू कर लेते हो, दिन में लड़का रात में लड़की, क्यों पहने थे लड़की के कपड़े? सर मैं और मेरा भाई देवी हम लोग द्वारका सेक्टर 4 में शगुन लेडी स्टोर में काम करते हैं, तो उस दिन देवी को दुकान में नया माल सेट करना था, तो वो बाद में आया, मैं पहले घर आ गया था। तुझे नया माल सेट करने में इतना क्या टाइम लगा? कुछ नहीं, वो रामलीला वाले काका एक नया प्ले बना रहे हैं इसलिए पकड़ लिया था। छोड़, इधर बैठ 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 बैठ। ये देख, क्या पागल हो गया तू, ये सब यहाँ क्यों लेके आया है? ये है अपना गेट पास। गेट पास? हाँ, आज रात को हम दोनों इस गेटअप में संध्या के हॉस्टल में घुसने वाले हैं। सपने में? अबे सपने में नहीं, सच में। सचना कि तू उससे प्यार करता है, कल उसका बर्थडे है। अबे वो दिखाते ना गंदी गंदी एड्स में और इंग्लिश फिल्मों में, हाथ पकड़ के एक घुटने पर झुक के, विल यू प्रॉमिस टू रुइन माय लाइफ फॉरएवर? हंसू मैं ये दाढ़ी मूछ के साथ, ये सब पहन के मैं हॉस्टल में घुसूंगा और गार्ड वार्डन माला लिए वेलकम करेंगे ना मेरा? ओए वार्डन से बात हो गई है, संध्या की दो बहनें आ रही है कानपुर से फॉर द सरप्राइज। अबे मेरे बीकॉम फर्स्ट क्लास इन अकाउंटिंग, सब छोड़ ये बीएफएल की सुन, सब रेडी करके आया हूँ, आधे घंटे में तुझे सर डिजाइन कर दूंगा ना, हॉस्टल तो छोड़ पूरा दिल्ली शहर तुझे नहीं पहचान पाएगा। अबे चल ना। क्या हुए हैं क्या बने हैं तेरे लिए, दुनिया सारी सर पे ले ली तेरे लिए, तू बाशिंदा है तू
दावेदा है तू शाहिदा है यार तू जो है तो मैं हूँ जो तू ना है तो मैं क्या हूँ यहाँ तू बाशिंदा है तू जावेदा है तू शाहिदा है यार तू जो है तो मैं हूँ जो तू ना है तो मैं क्या हूँ यहाँ बस इतनी सी बात मतलब तो मीडिया ट्रायल चला दोगे ऐसे ही तुमने सारी हदें पार कर दी आई सैल्यूट जेन्युइनली सैल्यूट करता हूं उस गधे को जिसने ये चार्जशीट फाइल किया वो भी अटेम्प्ट टू गैंगरेप का आरोप लगाया है अरे समझ आता है किडनैपिंग हो गई एबडक्शन हो गया मारपीट हो गई अटेम्प्ट टू गैंगरेप अरे मजाक बन जाएगा मेरा लोग हंसेंगे मुझ पर जब मैं ट्रायल जज के पास जाऊंगा मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है आपके नहीं चाहिए मेरा केस लड़ना मैं खुद ही नहीं चाहता कि आप मेरा केस लड़े जो मेरे केस से ही कन्विंस नहीं है वो कोर्ट क्या कन्विंस करेगा अरे बैठो बैठो रुको 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 हैव अ ग्लास ऑफ वाटर पानी पियो बैठो तुम्हारा केस मिलते ही मैंने चार्जशीट के सारे पेपर्स पढ़ लिए थे ये केस कोई मामूली केस नहीं है तुम्हें जरा स्ट्रांग होने की जरूरत है मुझे अच्छा लगा जब तुम मुझ पर चिल्लाए तुम कर सकते हो मैं तुमसे लड़ रहा था ताकि तुम्हारे लिए लड़ सकूं हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है लेट्स बिगिन रोहित नागर बनाम डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी सेशंस केस नंबर 5/2015 स्टेट बनाम आरिफ अली मोहम्मदीन सेशंस केस नंबर 5/2009 अमृता प्रियम बनाम मैथ्यू जॉर्ज स्मिथ हाँ जी क्या हुआ आरिफ अली मोहम्मदीन हाँ बच्चा बहुत छोटा नहीं रहम करो साहब पैरोल खत्म हो गई है उसको बोलो पहले सरेंडर करें घर पे कोई देखने वाला नहीं है साहब नहीं बहन अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो माफ कीजिए सेशंस केस नंबर 5/2009 अमृता प्रियम वर्सेस मैथ्यू जॉर्ज स्मिथ छुट्टियों के बाद ठीक है 16 तारीख डेट दे दीजिए ओके I'll be taking a 5-minute break. आपके जैसे लकी थोड़े ही है आपके यहाँ तो केसों की लाइनें लगी है ये नहीं तो कोई और सही हमारा क्या है करना पड़ता है नो चॉइस आज तो इतना हॉट नहीं लग सेशंस केस नंबर 81/2016 स्टेट बनाम यश अग्रवाल एंड अदर्स
तो कौन से स्टेज पर है ये केस? सर, चार्ज फ्रेमिंग पर। स्टेट वर्सेस यश अग्रवाल एंड अदर्स, संजय शर्मा और देवस शर्मा पे 15 अगस्त की रात को हुए हादसे में आरोपी यश अग्रवाल, सनी बोरा, संदीप जुनेजा और नट्टू लाल पे सेक्शन 376D रेड विद सेक्शन 511 अटेम्प्ट टू गैंगरेप, सेक्शन 326 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और सेक्शन 367 किडनैपिंग और एबडक्शन इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट अ पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट के चार्ज फ्रेम होने चाहिए, ये हमारी कोर्ट से रिक्वेस्ट है। तो शालिनी जी, डू योर क्लाइंट्स प्लेड गिल्टी या वो ट्रायल चलाना चाहते हैं? सर, मेरे क्लाइंट्स इन सभी चार्जेस को खारिज करते हैं, दे प्लीड नॉट गिल्टी। इस केस के जरिए मेरे क्लाइंट्स की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की जा रही है। इफ आई एम परमिटेड टू रीड आईपीसी सेक्शन 376D, गैंग रेप इज डिफाइंड वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्संस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दर मोर ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। सर, इस बात पे गौर किया जाए, वेयर अ वुमन इज रेप, इस केस में तो कोई औरत है ही नहीं। सर, आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, मेन चार्ज अटेम्प्ट टू गैंग रेप बता के जुडिशरी इज रिडिक्यूल्ड। केशव जी, अगर ये मर्दों पर सेक्सुअल ऑफेंस का चार्ज है तो आप इसमें आईपीसी 377 अननेचुरल ऑफेंस का सेक्शंस क्यों नहीं लगा रहे हैं? इज नॉट दैट लॉफुली एप्लीकेबल? नो सर, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि यह जबरदस्ती हुई है और सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी मर्जी से किए हुए कार्नल इंटरकोर्स की बात करता है, क्योंकि कंप्लेनेंट ने भी कहा है कि उन्हें उस रात लड़की समझकर ही रेप करने की कोशिश की गई और एक्यूज्ड के खिलाफ काफी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस सरफेस हुआ है। इन सबको कंसीडरेशन में लेते हुए चार्जशीट में उल्लेखित सारे सेक्शंस में चार्ज फ्रेम करके इस केस को आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाए। दिस इज अ मॉकरी ऑफ जस्टिस। मैडम, कोई कायदा कलम लागू नहीं दिखाई पड़ता तो आगे ट्रायल में निकल जाएगा, जैसे कि आरोपी खुद को दोषी नहीं मानते। ये कोर्ट उन पर अंडर चार्जेस 326 वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, 367 किडनैपिंग और एबडक्शन इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट अ पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट, 376D रेड विथ 511 अटेम्प्ट टू गैंग रेप फ्रेम करती है। बट चार्जशीट में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो मेरे क्लाइंट्स को इंप्लिकेट करता हो। हम चार्जशीट के पूरे पेपर्स देखते हुए डिस्चार्ज की एप्लीकेशन कर सकते थे और ये फ्रिवलेस ट्रायल फेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट नाउ वी विल सी टू इट कि ये केस इस कोर्ट और जुडिशरी के सामने एक एग्जांपल बने। योर ऑनर, अगर ये चीज मुमकिन होती तो ये पहले ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा चुके होते। मैडम जी, इस ट्रायल के दरमियान रेप को लेकर अगर कोई सबूत आता है तो मैं डी नोवो बोलकर फिर से शुरुआत से थोड़े ही ट्रायल चालू करूंगा। सब समझिए आप। एनीवे, फैक्ट्स एंड इश्यूज को देखते हुए Let's have a trial for everything. Let's see how it goes. तो ठीक है फिर, चालू करते हैं। Prosecution, बता दीजिए आपके मेहमान कितने हैं? गवाह कौन कौन आने वाले हैं? तो मैं आपको डेट देता हूं। साले, तेरे ठरकी पने की वजह से ये सब हुआ है। मुझे अकेले को मजा मिलता है क्या? हाईवे पे शेर बन के घूमना है ना, तो हिरण का शिकार तो करना ही पड़ेगा। सही है। भोसड़ी के सोच, उन लौंडों के साथ और कुछ कर लेते तो हम धर्म नष्ट हो जाता सालो। पहले भी सुन चुके हैं। आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ, आपको हमसे ज्यादा इसकी जानकारी है, संभालिएगा। अग्रवाल जी, आप यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जीते हुए केस लड़े नहीं जाते, कोर्ट में जीत उनकी होती है जो शक पैदा कर सके। इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। गुड, वेरी गुड। देखो, डिफेंस ऐसे सवाल भी कर सकता है, वो तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। FIR और स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ लो, फैक्ट, जगह, तारीख अच्छी तरह से याद कर लो। और हाँ, अपनी कहानी से भटकना मत। अगर तुम्हें लगे डिफेंस तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है तो कह देना याद नहीं है।
अच्छा तो फिर से शुरू करें। संजू, जो हादसा आपने अभी इस कोर्ट के सामने बताया, क्या उसके आरोपी इस कोर्ट में मौजूद हैं? जी। क्या इस कोर्ट के लिए आप उन्हें पॉइंट कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? थैंक यू संजू, दैट्स ऑल योर ऑनर, योर विटनेस। यस शालिनी जी। क्या तुम गए हो? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो क्या तुम बाइसेक्सुअल हो? नहीं। ये लड़कियों जैसे कपड़े पहनने का शौक बचपन से है या जवानी में आके पाला है? पहले भी बता चुका हूँ, हॉस्टल में घुसना था इसलिए पहने थे कपड़े। लड़कियों जैसा मेकअप और कपड़ों का आइडिया किसका था? देवी का। परफेक्टली डन मेकअप एंड ड्रेसिंग। आई वंडर किसने किया होगा इनके लिए ये सब। क्या तुम दोनों भाई पहले भी ऐसे लड़कियों की तरह कपड़े पहन के बाहर लोगों से मिलने जाया करते थे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, देवी रामलीला में कई बार सीता का किरदार निभा चुका है और रामलीला वाले अपना ड्रेसअप और मेकअप खुद ही करते हैं और देवी इसमें काफी अच्छा रहा है। तो फिर मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि क्रॉस ड्रेसिंग किस किस्म के लोग करते हैं। क्या तुम ऐसे कपड़े अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने के लिए पहनते हो? नहीं, मैं वापस कहता हूँ नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, कंप्लेनेंट पहले भी रीजन दे चुका है, इसे बार बार पूछकर डिफेंस इज वेस्टिंग प्रीशियस टाइम ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। दिस इज वैलिड। सर, इन दोनों भाइयों की मानसिकता जानना बहुत जरूरी है। इनका इंटेंशन ही अगर लोगों को गुमराह करने का हो, हाउ कैन एनीबॉडी फील सेफ इन सच अ सोसाइटी? शालिनी जी इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑन ह्यूमन नेचर, इफ शी कैन लिमिट हर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। आनंद मैडम, प्लीज लेट्स बी सिविल। यस, तो भाई को धंधे पे लगाने के बाद कितना कमा लेते हो? ऑब्जेक्शन, इररिलेवेंट। सस्टेंड, व्हाट डू यू विश टू प्रूव शालिनी जी? सर, अगर ये गे नहीं है और ये बाइसेक्सुअल भी नहीं है तो हो सकता है लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठते हो। सर, लेट मी रिफ्रेज, तो दोनों भाई मिलके लगभग कितना कमा लेते हो? जी, 20,000 तक। दिल्ली जैसे शहर में 20,000 में गर्लफ्रेंड भाई पालना जरा मुश्किल होता होगा। जी, मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कैसे? हाईवे पर दुकान खोलकर? जी। हाईवे पर राह चलते लोगों को रोकना, उन्हें धमकाना, उन्हें लूटना, क्यों मजा आता है आपको? नहीं। जैसा कि आपने कहा, गाड़ी की पीछे वाली सीट पे किशन, सनी, सैंडी और यश बैठे थे। ड्राइवर कहाँ बैठा था? ड्राइवर? हाँ ड्राइवर। सिंपल क्वेश्चन संजू। ड्राइविंग सीट। एग्जैक्टली। तो क्या वो गाड़ी से बाहर निकला? नहीं। क्या वो गाड़ी की पीछे वाली सीट पे आया आपके साथ जबरदस्ती करने के लिए? नहीं। क्या उस रात उसने आपको मारा था? नहीं। उसने आपको छुआ था? नहीं। आपके भाई को? नहीं। आज कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन के वक्त आपने नट्टू ड्राइवर की पहचान की थी, कैसे? जी, मैंने उसका साइड से चेहरा देखा था और उसे अस्थमा पंप यूज करते देखा था। बस आधा चेहरा और अस्थमा? क्या आप किसी किस्म के एक्सपर्ट हैं या आपने कोई डिग्री हासिल की है जो आप लोगों के आधे चेहरे उनकी बीमारियों से उनकी पहचान कर लेते हैं? नहीं। क्या नहीं? नहीं, मैं किसी तरह का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आपने नट्टू को कैसे पहचाना? संजू, गौर से सोच के कहिएगा, क्या कोर्ट शुरू होने से पहले वकील साहब ने आपको नट्टू की तस्वीर दिखाई थी? मुझे आनंद जी ने उसकी फोटो दिखाई थी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। संजू, और क्या याद नहीं है तुम्हें? क्या तुम्हें ये याद है कि तुम्हें पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने जाने के लिए 3 दिन लग गए थे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सुप्रीम कोर्ट इन कैटन ऑफ जजमेंट्स ऐसा माना है कि रेप और रेप से रिलेटेड विक्टिम्स ऐसी मेंटल स्टेट में नहीं होते कि वो तुरंत एफआईआर लिखाने जा सके। कम ऑन आनंद। सर, बेहतर होगा अगर प्रोसिक्यूशन रेप रिलेटेड जजमेंट्स को साइट ना करे। नहीं, गैंग रेप। पहले ये तो पता लगा लें कि वहां पे कुछ हुआ भी था या नहीं। बोथ ऑफ यू, लेट्स मूव ऑन। सर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज दैट दिस केस इज अ रिजल्ट ऑफ आफ्टर थॉट। अगर ये जो कह रहे हैं वो सच होता तो इन्हें पुलिस के पास जाने के लिए इतना वक्त नहीं लगता। These are tactics for indirect extortion. रात में सुनसान ढाबे के बाहर गाड़ी रोकना, मेरे क्लाइंट्स को फ्रेम करना, ये इनकी घिनौनी चाल है पैसे ऐंठने की। कोर्ट इनकी मीडिया सर्कस को इग्नोर करते हुए इनकी इंटेंशंस को समझे।
इंटेंशन. वेल सेड. पूरी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस इस पर टिकी हुई है. अब मेरे इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए अभी हम लंच पर चलते हैं. द प्रोसिक्यूशन वुड लाइक टू कॉल प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर टू किशन. कसम लीजिए जो भी कहूंगा सच कहूंगा. जी जो कहूंगा सच कहूंगा. किशन क्या आपने ये स्टेटमेंट 30 अगस्त की रात को पुलिस को दिया था? जी दिया था. क्या आपको अपना बयान याद है? याद है जी. 15 अगस्त की रात को गाड़ी में आपके साथ और कौन कौन था? गाड़ी में नट्टू, सैंडी, सनी और यश जी. और गाड़ी कौन चला रहा था? नट्टू. संजू और देवी को गाड़ी से उतरकर उठाने कौन गया था? उठाने? साहब हमने किसी को नहीं उठाया. क्या तुम समझ रहे हो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? हाँ साहब मैं यही तो कह रहा हूँ. मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है. साहब उठाया नहीं था, लिफ्ट दी थी. सो परमिशन टू डिक्लेयर द विटनेस एज हॉस्टाइल. पुलिस के समक्ष लिखाए गए स्टेटमेंट में किशन ने बयान दिया है कि गाड़ी से उतरकर यश, सनी और सैंडी ने संजू और देवी को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर धकेला. नहीं जनाब वो तो पुलिस ने. एंड स्टेटमेंट मस्ट बी कंसीडर्ड इनकंसिस्टेंट. योर ऑनर विटनेस स्टेटमेंट प्रोक्योर करने में मेजर पुलिस प्रोसीजर लैप्स है. आई रिक्वेस्ट द विटनेस बी अलाउड टू कंटिन्यू. हां बोलिए. ऑब्लाइज योर ऑनर. सर जी हम नजफगढ़ से द्वारिका जाने वाली रोड पर मोहन ढाबे का खाना खाके निकले. अंडरपास के आगे से द्वारिका मोड़ से हमने यू टर्न मार ली कि अचानक हमें वहाँ दो लड़कियाँ दिखी. देखो वंडरलैंड. ओए यू टर्न ले ले. हाँ ठीक है. जी 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 लॉन्ग ड्राइव पे चले ले. आज तो मजे. रात बहुत हो चुकी थी, सुनसान रास्ता था. हमने सोचा शहर तक इनको लिफ्ट दे दें. हमने गाड़ी रोक ली. हेलो थैंक यू बोलते बोलते ये लोग गाड़ी में बैठ गए. अब हमें क्या पता था साहब, अभी 5 कदम दूर गए नहीं कि अचानक इन दोनों में जिसने गुलाबी कपड़े पहने थे ना, एक लंबा धारदार चाकू निकालकर हमें पैसों के लिए धमकाना शुरू कर दिया. हम तो डर के मारे लगा कि सड़क पे ही आज हमारा क्रियाक्रम हो जाएगा. यश भैया ने हिम्मत की. वहां गाड़ी में हमारे पास बियर की बोतलें थी. उस गुलाबी कपड़े वाली के सर पे दम मारी. हम लोगों ने बहुत कोशिश की. सनी ने तो उस नारंगी कपड़े वाली की नाक पे मुक्की जड़ दिया था पर चाकू. फिर हम पीछे हट गए पर भगवान की दया है वहां पुलिस आ गई. पुलिस की बहन देखते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी. इन्होंने उसे धमकाया, उसे मारा, फिर उस बेचारे ने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया. अब पुलिस पीछा छोड़े ना, दोनों ने आओ देखा ना ताओ दरवाजा खोला और चलती गाड़ी से कूद गए. सर जी भलाई करने गए थे, लेने के देने पड़ गए. सर आई रिक्वेस्ट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस एज ही हैज बीन डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल. उस रात जब तुम लोग ढाबे से लौट रहे थे तब कितने बजे थे? जी 12 या 12:30. और कहाँ जा रहे थे? रोहिणी फार्म हाउस पर. चाय नाश्ता क्या इतना भारी पड़ गया कि ये भी पता नहीं चला कि गाड़ी रोहिणी जाने वाली नहीं बल्कि द्वारका जाने वाली सड़क पर चल रही थी? नहीं वो पहले द्वारिका, शनि और यश जी को छोड़ना था, उसके बाद रोहिणी फार्म हाउस की तरफ निकल रहे थे. किशन ढाबे से 200 मीटर दूर ही डिवाइडर पर एक यू टर्न है द्वारका जाने के लिए. तुमने उसे छोड़कर 2 किलोमीटर और आगे जाकर यू टर्न मारा, ऐसा क्यों? याद नहीं है, शायद पहले वाला मिस कर दिया था इसलिए. याद नहीं है या लड़कियों को देखकर याद आया था यू टर्न मारना? जी. किशन ये बताओ कौन लिफ्ट देने के लिए यू टर्न मारकर खुद गाड़ी से बाहर उतरता है? हमने तो आपसे पहले ही कह दिया है, हमने वहां उनकी मदद करने के लिए गाड़ी रोकी. तो कंप्लेनेंट ने ऐसा क्यों कहा है कि तुमने बीच रास्ते पर गाड़ी रोककर उनको उठा लिया और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? देश आजाद है, जिसको जो कहना है वो कहे. हम पे जो बीती है वो हम ही जानते हैं.
तो किशन तुम कहते हो कि तुम्हें डराया धमकाया गया, तो फिर वो चाकू कहाँ है? ये कूदते वक्त अपने साथ ले गई होगी, आप उनसे ही पूछिए। खैर किशन ये बताओ, क्या तुम बियर पीते हो आजकल? कौन बियर नहीं पीता है। तो उस रात तुम दारू पी रहे थे? नहीं जी। तो अभी तो तुमने अपनी कहानी में कहा कि उस रात तुम्हारी गाड़ी में बियर बॉटल थी, क्यों अपनी कहानी भूल गए? थी थी, वो खाली बोतल थी पानी रखने के लिए, बाकी कांच की टूटी बोतलें हमने बाहर फेंक दी थी। बाहर क्यों फेंक दी? ताकि पुलिस को कुछ मिले ना। वैसे मेरा ये सवाल था ही नहीं कि तुमने टूटी बोतल के साथ क्या किया। सर बियर पीने के शौकीन लोग गाड़ी में खाली बियर की बोतल रखते हैं, वो भी पानी पीने के लिए, कुछ तालमेल नहीं बैठता। Your Honor, prosecution का ये imply करना कि मेरे clients उस रात शराब के नशे में थे is unsubstantiated, as forensics hasn't found any alcohol content inside the car. अच्छा ये बताइए, उस रात आप पुलिस को देखकर भागे क्यों? उन्हें ये कहानी क्यों नहीं बताई? सर चिल्ला चिल्ला कर पुलिस को कहते, आपको तो पता ही है नारी शक्ति, लाल बत्ती मारते पहले हैं, सवाल बाद में पूछते हैं। सर उसी रात करीब 1:15 बजे द्वारका एग्जिट पर एक और एक्सीडेंट हुआ, जहां एक्यूज की कार DL09555 एक मारुति 800 के साइड व्यू मिरर से जा टकराई। गौर करने की बात यह है कि ये वहां से भी भाग निकले, पर कार नंबर और इंसिडेंट का टाइम उत्तम नगर पुलिस स्टेशन की एक्सीडेंट रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। तो तुम चाहते थे रेप करना पर कर नहीं पाए। हम क्या कह रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हो? अच्छा क्या हमारी शक्ल से लगता है कि हम रेपिस्ट हैं? तुम्हारे दिखावे की नहीं, तुम्हारी हरकत की बात चल रही है। उस रात तुम लोगों ने गाड़ी क्यों छुपा दी थी? छुपाई नहीं थी, हमेशा की तरह सबको घर छोड़ा, उसके बाद वही फार्म हाउस पर लगवा दी। तो उस रात तुम नशा करके लौट रहे थे? सो माय लर्नड फ्रेंड इज रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, दीज आर इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स। आई रिपीट, दिस हैज नो रिलेशन टू द केस। आगे गाड़ी का एक्सीडेंट होना, रात में ढाबे पे जाना, गाड़ी को फार्म हाउस पे छोड़ना, इन सभी का गाड़ी के अंदर हुए इंसिडेंट से कोई रिलेशन नहीं है। सर एक्यूज्ड का ये कहना कि उन्हें एक इमेजिनरी चाकू की नोक पर लूटने की कोशिश की गई, फिर पुलिस को देखकर उनका भाग जाना, फिर उसी रात उनका एक और एक्सीडेंट करना, रस्सी और कपड़े जैसे सबूतों को गायब कर देना और गाड़ी को फार्म हाउस पर छुपा देना, सिर्फ यही दर्शाता है कि किशन और उसके साथी उस रात फॉल्ट में थे, इसीलिए उन्होंने गाड़ी से सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की। सर कंप्लेनेंट और उसके भाई के साथ जबरदस्ती हुई, तब से लेकर अब तक एक्यूज्ड उसे छुपाने के लिए ना जाने कितने ही झूठ के पहाड़ तैयार कर चुके। जो कंप्लेनेंट और उसके भाई के साथ एक्यूज्ड ने किया, ना जाने और कितने लोगों के साथ किया होगा। उस रात एक्यूज्ड कंप्लेनेंट को देखकर नहीं बल्कि पुलिस को देखकर भाग रहे थे, ऐसे जैसे कि गटर में जमादार के घुसने पर चूहे भागते। माइंड योर लैंग्वेज। सर हम किशन के खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं, एज ही हैज लाइड अंडर ओथ, उस पर हम परजरी का चार्ज लगाएंगे। दैट्स इट, योर ऑल योर्स। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। आनंद जी, किशन अपनी जबान से पलट गया, वो झूठ बोल रहा है। उसने जो बोला वो बोला, तुम्हें कोर्ट के सामने ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मैंने तुमको सबके फोटोग्राफ्स दिखाए? पर मैंने तो सच ही कहा। हाँ तुमने तो सच ही कहा था। ठीक है।
डॉक्टर आपको कब पता चला कि ये दोनों लड़के हैं? हम दोनों लड़के हैं। What? हमने कुछ गलत नहीं किया। डॉक्टर ये बताइए, संजू और देवी की बॉडी पर किस तरह के निशान या घाव मौजूद थे? देवी के सर पर बियर की बोतल फूटी थी। और ये कपड़े? उन्होंने फाड़े। तो उन्होंने आप दोनों के मुंह पे भी कुछ कपड़ा पपड़ा बांधा था क्या? कपड़ा ठूसा था और रस्सी से हमारे हाथ बांध दिए थे। तो वो रस्सी या कपड़ा या कुछ है आपके पास? नहीं, पुलिस को देखते उन्होंने हमारे हाथ खोले, मुझसे कपड़ा निकाला और हमें गाड़ी से बाहर फेंक दिया। डॉक्टर मुझे पुलिस से बात नहीं करनी है, मुझे बस अपने भाई को लेकर घर जाना है। देखो तुम डरो मत, हम पुलिस को कह दीजिए हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी। देखो अभी तुम अपने घर जा सकते हो, और अगर दो तीन दिन बाद तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें रिपोर्ट करवानी चाहिए तो तुम तभी कर सकते हो। तो आपने उनकी मदद क्यों की? जी क्योंकि वो सच बोल रहे थे। ऐसा आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि जिस तरह के घाव उनकी बॉडी पे थे वो जनरली तब होते हैं जब फोर्स यूज हुआ हो, जैसे जबरदस्ती किसी को बंदी बनाया गया हो। मतलब रेप या रेप रिलेटेड इंसिडेंसेस में इस तरह के घाव होना बहुत ही कॉमन बात है। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, यह है उस रात के दोनों विक्टिम्स की रजिस्टर्ड मेडिकल रिपोर्ट और अटैचमेंट में उनकी बॉडी पर लगे चोट के निशान और उनके कपड़ों के फोटोग्राफ्स। इन्वेस्टिगेशन के दौरान विक्टिम्स के कपड़ों को नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया गया था। शालिनी जी। डॉक्टर आप क्या कोर्ट के सामने अपना नाम एक बार फिर से दोहराएंगी? जी बिल्कुल, डॉक्टर वीना दीक्षित। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं? 2 साल से। 15 अगस्त की रात को आप कहाँ थी? जी मैं सिटी हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट पे थी। आपकी शिफ्ट कब और कितने बजे शुरू हुई और कब तक चली? जी मेरी शिफ्ट शुरू हुई 14 रात को 8 बजे और खत्म हुई कुछ 16 को शाम को 4 बजे। That must be exhausting. हम तो यहाँ सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बैठे बैठे थक जाते हैं, लेकिन लगता है आपको लॉन्ग शिफ्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी नहीं, अब तो आदत हो गई है। Great. उस रात देवी और संजू को आपके पास कौन लेके आया था? पुलिस लेके आई थी दोनों को। तो क्या आपने उनको देखते ही पहचान लिया था कि ये लड़कियां नहीं लड़के हैं? जी नहीं, इनफैक्ट मुझे यही लगा दोनों लड़कियां ही हैं। और आपने सोचा यू हैव टू ट्रीट देम? ऑफ कोर्स यस, उस वक्त लैब इंचार्ज मैं ही थी, पुलिस डायरेक्शंस भी थे, एंड इट्स माय ड्यूटी आफ्टर ऑल। तो आपने उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया? मैंने हॉस्पिटल गाइडलाइंस को फॉलो करके ही ट्रीटमेंट दिया था और उसी हिसाब से रिकॉर्ड्स भी बनाए थे। लेकिन डॉक्टर आप तो जानती हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो सभी अथॉरिटीज को फॉलो करना होता है। जी हाँ। क्या मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल। लेकिन आपने वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया? नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। रिपोर्ट के मुताबिक देवी का ट्रीटमेंट 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक चला और संजू का ट्रीटमेंट 3 बजे से लेके 3:50 तक। क्या आप बता सकती हैं कि देवी के ट्रीटमेंट में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि देवी को स्टिचेस लगाने पड़े थे। देवी की कंडीशन संजू से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, एंड सिंस ही वाजंट इंटरैक्टिंग, इट वाज डिफिकल्ट। तो ऐसे डिफिकल्ट इंस्टेंस में आपके साथ वहां आपके सुपरविजर ने कोई आपकी मदद करने के लिए था? जी नहीं। कोई नर्स वगैरह? नहीं, नर्स भी नहीं। क्या आपने उन कॉम्प्लिकेशंस को किसी और के साथ डिस्कस किया था? जी नहीं। तो आप कह रही हैं डॉक्टर कि उनकी हालत इतनी खराब थी लेकिन फिर भी उनमें इतनी एनर्जी बाकी थी कि वो वहाँ बैठे बैठे आपको अपनी पूरी कहानी सुना देते? देखिए सिर्फ संजू ने मुझसे बात की थी। और ये बात आपने पुलिस को बतानी जरूरी नहीं समझी? नहीं, क्योंकि वो चाहते ताजमहल तो क्या वो भी ला देती? डॉक्टर एक बात बताइए, आपने विक्टिम से कपड़े जमा क्यों नहीं किए? देखिए पेशेंट ने जितना अलाउ किया मैंने उतना किया, और वैसे भी उन्होंने अपने कपड़े जमा करवाने से मना कर दिया। डॉक्टर क्या कोई ऐसा सच था जो आप पुलिस से छुपाना चाह रही थीं इसीलिए आपने वहां से संजू और देवी को निकलने में मदद की? मतलब? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने कहा कि देवी उस रात रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वो किसी से बात नहीं कर रहा था। जी हाँ। ये ठीक है? जी बिल्कुल। और आपने उसके घाव पे स्टिचेस लगाए? जी बिल्कुल। डॉक्टर आपको लगा नहीं कि देवी को MRI की जरूरत थी? आपने उसका MRI क्यों नहीं करवाया? चोट देखकर MRI करने की जरूरत नहीं लगी थी। हो सकता है उस रात अगर देवी का MRI हो जाता तो उसको जल्दी डायग्नोस किया जा सकता था और वो आज कोमा में नहीं होता। डॉक्टर कल अगर देवी की मौत होती है तो क्या ये कहना मुनासिब होगा कि उसकी मौत की जिम्मेदार आप हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, डिफेंस इज ट्राइंग टू प्रेशराइज द विटनेस।
सस्टेंड। सर उस दिन करीबन 30 घंटे से ऊपर की शिफ्ट कर चुकी डॉक्टर वीना दीक्षित, अ न्यूली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर जिन्होंने अपना ड्यूटी बाउंड प्रोसीजर बिना खत्म किए एक अजनबी की बातों में आके पुलिस से झूठ कहा, MRI ना करवाना, सेक्सुअल असॉल्ट केस में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ना फॉलो करना, यही दर्शाता है कि ये कोई गैंगरेप असॉल्ट का केस था ही नहीं। कोर्ट के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो डॉक्टर वीना दीक्षित के स्टेटमेंट को विदाउट अ डाउट एक्सेप्ट करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। संध्या, इस कोर्ट में ऐसा कोई नहीं जो संजू को तुमसे बेहतर जानता। क्या हादसे के बाद से अब तक संजू में कोई बदलाव आया है? जी, संजू होता तो हमारे पास है पर हमारे साथ नहीं होता। सबसे लड़कर वो यहाँ तक पहुँच गया है मगर अकेले में अब भी वो खुद से लड़ रहा है। कितनी बार देखा है मैंने उसे खुद को आईने में घूरते हुए, ऐसे जैसे अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा हो। थैंक यू संध्या। योर ऑनर, योर विटनेस। संध्या जी, दैट्स अ रियली नाइस स्टोरी। क्या ये वही रिंग है? जी। ब्यूटीफुल। कितने की है ये रिंग? मैं नहीं जानती। आप जानती नहीं या आप जानना नहीं चाहती? आपको पता नहीं कि आपका मंगेतर जिसकी तनख्वाह केवल 15,000 रुपए है वो इतनी महंगी रिंग कहाँ से खरीद सकता है? ये उसने अपनी सैलरी में से बचाकर खरीदी है। अगर वो सैलरी में से बचा के ऐसी रिंग दे रहा है तो वो खा क्या रहा है? खर्चे कहाँ से निकल रहे हैं उसके, कभी सोचा है आपने? या आप सोचना ही नहीं चाहती? आपको फर्क नहीं पड़ता ना कि वो पैसे साड़ी बेच के कमा रहा है या रात के अंधेरे में लोगों को लूट कर? जैसा कि मेरे लर्नेड फ्रेंड ने कहा कि आप संजू को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। तो क्या कहेंगी आप? मैं संजू को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और अगर आप उसको थोड़ा सा भी जानती तो आप ये सवाल नहीं पूछ रही होती। सवाल पूछना इज आवर जॉब। नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। स्मिता जी, क्या आप संजू से पहले भी मिल चुकी हैं? जी, संजू और संध्या को हम NGO में मिले थे। वो हमसे मदद मांगने आए थे लेकिन हमें उन्हें ना कहना पड़ा। क्यों? वही जो मैंने संजू और संध्या से भी कहा था कि हमारा NGO सिर्फ औरतों की मदद करता है। हर NGO की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसे कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। जब भी कोई औरत एज ए रेप विक्टिम आती है तो हमारी लीगल टीम, ह्यूमन रिसोर्सेज और काउंसलर्स के पास कुछ ऐसी एक्सपर्टीज है जिसकी वजह से हम उसकी सहायता कर पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई मर्द हमसे मदद मांगने आता है तो उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई बेस नहीं होता। आपकी पर्सनल राय में रेप क्या सिर्फ औरतों के साथ ही पॉसिबल है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। स्पेक्यूलेशन। ओवररूल्ड। जी, मैं मानती हूँ कि रेप किसी के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। आपने कहा रेप किसी के साथ भी हो सकता है, तो क्या नकली रेप, झूठी रिपोर्ट्स और फेक स्टोरीज ये भी कॉमन है? जी, कभी कभी ऐसे भी देखने में आए हैं लेकिन हर NGO हर केस को इवैल्यूएट करने के बाद ही रिहैब और सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपने संजू के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। आप उसका केस किसी और को रेफर भी कर सकती थी, आपने वो भी नहीं किया, क्यों? जी, संजू का केस एक बहुत ही बड़े ग्रे एरिया के अंदर आता है और हम नहीं जानते कि संजू सच बोल रहा है या झूठ। थैंक यू स्मिता जी। उस रात जब आपने इन दोनों को देखा तो इनकी हालत कैसी थी? बहुत डरी हुई थी साहब, देखकर ही लग रहा था कि इन पर कोई काम कर चुका है। थैंक यू। पर दिलासा देने से पीछे नहीं हटे हम, बहुत संभाला है। थैंक यू गुप्ता जी। जी जी। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। डॉक्टर, आज देवी की हालत कैसी है? ही इज स्टिल इन अ क्रिटिकल स्टेज। सर्जरी हम कर चुके हैं बट द पेशेंट इज स्टिल इन कोमा। उसे रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है पर इससे ज्यादा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर, देवी को किस हालत में आपके हॉस्पिटल लाया गया था? देवी बेहोश हालत में हॉस्पिटल पहुंचा था, तब तक इंटरनल क्लॉट्स एक बड़े एरिया को अफेक्ट कर चुके थे। देवी की सिचुएशन इज ए ग्रेजुअल वर्सनिंग इफेक्ट। डॉक्टर, ये क्लॉट्स क्या किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के लगने से हो सकते हैं? जी। और क्या ये किसी शार्प ऑब्जेक्ट के लगने से भी हो सकते हैं? क्वाइट पॉसिबल। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, उस रात हुए हादसे में इट वॉज द इंटेंट ऑफ द एक्यूज टू हिट द कंप्लेनेंट एंड हिज ब्रदर इन द वर्स्ट पॉसिबल वेज। ये सिर्फ एक्यूज की मॉडस ऑपरेंडाई नहीं बल्कि उनकी हिंसक सोच भी दिखाता है। देवी की हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये हादसा है।
डॉक्टर क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देवी के इंटरनल क्लॉथ्स किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हुए या किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से? No, I can't. It could be either one. तो आप श्योर नहीं हैं? नहीं, it could be either or both. Thank you, doctor. Sir, Dr. Rana is only a surgeon treating Devi, जो खुद अनश्योर है ऑब्जेक्ट के बारे में. यहाँ प्रोसिक्यूशन ने एक बहुत लेम अटेम्प्ट किया है देवी की हालत पे सिंपैथी बटोरने का. मेरे क्लाइंट्स ने बॉटल केवल सेल्फ डिफेंस में यूज की थी. चलती गाड़ी से कूदने के बाद अपनी हालत के जिम्मेदार खुद संजू और देवी हैं. देखो पेपर्स, कर्ज ले रखा है, घर गिरवी रखा है, इसमें बैंक के पेपर्स भी हैं। संजू मुझे तुम पे कोई डाउट नहीं है, मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं कह रहे हो। देखो कोई तुम्हारे खिलाफ हजारों झूठ बोलकर झूठ का पहाड़ भी खड़ा कर देना, फिर भी मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं बदलने वाला। आओ आओ बैठो इधर आओ। राजकोट में जो कुछ भी हुआ, मुझे लगा हम दोनों, हम तुम हो, इसलिए आज यहाँ तक पहुंच जाऊं। बस अगर यही नहीं बचा तो फिर बचा क्या? वैसे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एक डॉक्टर आना बाकी है, आपको क्या लगता है? मामला अभी भी थोड़ा टाइट है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बलविंदर सिंह की रिपोर्ट्स और उसकी रेपुटेशन दोनों ही रद्दी बराबर हैं। दे जंक, इवन डॉक्टर के पास कुछ नया नहीं है। दे विल बी गॉन बिफोर यू ब्लिंक, यू डोंट हैव टू वरी। बस यही तो चाहिए। यही चाहिए। कहाँ है शालिनी जी? लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेशंस केस नंबर 2/2012 मनोहर लाल कांतिया बनाम दिल्ली म्युनिसिपल बोर्ड। माय अपोलॉजीज योर ऑनर, बट आज मेरे क्लाइंट्स कोर्ट नहीं आ सकेंगे, वे सभी शहर से बाहर हैं। ये रहा उनका एग्जम्पशन एप्लीकेशन। सर मेरी कोर्ट से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोसीडिंग को 2-3 हफ्तों के लिए एग्जर्न कर दे। ये रहा उनका एग्जर्नमेंट एप्लीकेशन। बस कार फ्लाइट जो भी मिलता है वो पकड़ के जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहिए। और हाँ, डॉक्टर साहब को इंडिया पाकिस्तान मैच के बीच में से घर से उठा के लाए हैं, उनको आने जाने के 1,000 रुपया दे दीजिएगा। मोहब्बत कवे बार दरिया है तू, सुना है कि सुनता है तू, कब से पत्थर सा दिल हुआ तेरा, इबादत यहां सर झुकाए करूं, अजानों पे सजदे करूं, क्या सच में खुदा तू मेरा हो जा। रूबरू तो चैन से सुकून से मरूं, हो जा रूबरू के आखिरी सांस मैं भरूं, हो 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 Oh,
ये चाह नहीं है मेरी, ना जिद है मेरे दिल की भी, के आंखों से तेरी खुदा देखा है के तब से तू राह मेरी। मैं परवाना बन के फिरूं तेरी आग से वाकिफ करा, फना हो के तुझ में ये लम्हे मेरे धड़क लेंगे दिल की तरह। इजाजत तेरे घर की दे दे जरा, है मुझको तेरा आशरा के लोगों ने पागल कहा। जमानत यहां से तू मेरी करा, नए से तू मुझको हरा, खुदा मेरा बन के दिखा। हो जा रूबरू तू चैन से सुकून से मरूं, हो जा रूबरू के आखिरी सांस में भरूं। ओ प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 5 इज साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भान। कसम खाइए, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। मैं कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। डॉक्टर शुरू करें। यस। वुड यू प्लीज शेयर योर क्रेडेंशियल्स विद द कोर्ट? यस श्योर। माय नेम इज डॉक्टर वेद भान एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है और मैं वहां पे साइकोपैथोलॉजी पढ़ाता भी हूं। I am a licensed mental health counselor and I practice in Delhi only. Doctor, क्या संजू voluntarily आपके यहाँ treatment के लिए आया था? No. संध्या संजू को मेरे पास लेके आई थी। Initially he was a bit hesitant, थोड़ा avoid कर रहा था, but after a point of time it got real. Sexual assault और gang rape जैसे cases में patients किस तरह के symptoms दर्शाते हैं? There are plenty. Anxious हो जाना, depression, नाइटमेयर्स का आना, मन में भिन्न भिन्न तरीके के बदला लेने के विचार आना, लोगों के साथ आई कॉन्टेक्ट न बना पाना, पैनिक अटैक, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, बहुत फ्रीक्वेंटली रेस्टलेसनेस, गुस्सा आना, ये तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं जो इस पेशेंट के बर्ताव में पाए जाते हैं। डॉक्टर, क्या लड़के और लड़की ऐसे हादसे के बाद सिमिलरली रिएक्ट करते हैं? देखिए, वैसे दोनों में फीलिंग्स और अपीयरेंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, बट अपीयरेंसेज आर डिसीविंग। भले ही वो एक बंद कमरे में बेचैन होते हैं और रोते हैं, लेकिन उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि पब्लिक के सामने वो बड़े ही कंपोज नजर आए। क्या आपको ये सिम्टम संजू में भी नजर आए? ऑफ कोर्स। सो आप संजू को तब से अब तक ट्रीट कर रहे हैं, व्हाट डिड यू डायग्नोस डॉक्टर? संजू दरअसल PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रसित है। संजू को देखकर लगता नहीं कि उसे मेंटल ट्रॉमा है? क्या वो ट्रॉमेटिक पेशेंट्स की तरह बर्ताव करता था? नहीं नहीं नहीं, देखिए बर्ताव और भाव ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दरअसल बात ये है कि जो मर्द हैं वो हमेशा अपने इमोशंस को दबाते हैं, छुपाते हैं, और हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर उनकी जगह कोई और ऐसी स्थिति में होता तो वो कैसे रिएक्ट करता। ऐसा क्यों? दरअसल हमारी सोसाइटी मुश्किल पैदा कर देती है मेल्स को अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसे केसेस को अगर ट्रीट ना किया जाए तो क्या हो सकता है? देखिए, जनरली जो हादसे के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो हादसे के कई सालों के बाद तक भी पेशेंट को परेशान कर सकते हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि बड़े अजीब से सिम्टम्स कई सालों के बाद भी आप देख सकते हैं, मसलन अपना बदन खुरचना, बार बार नहाना, सेक्सुअल लिबिडो को लूज कर जाना, सुसाइडल टेंडेंसी का डेवलप हो जाना, और
पूरी तरह से सोसाइटी से अलग थलग पड़ जाना, सोसाइटी से कट ऑफ कर लेना। द बैड ऑलवेज हैज द पॉसिबिलिटी टू बिकम द वर्स्ट। तो क्या संजू आज एकदम ठीक हो चुका है? नो, संजू अभी लड़ रहा है अपने नाइटमेयर से, डिप्रेशन से, अपने खोए हुए आत्मविश्वास से और अपने मन के अंदर के डर से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस। डॉक्टर संजू खुद आपके पास ट्रीटमेंट के लिए क्यों नहीं आया? देखिए, अब संजू खुद नहीं आया इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट समटाइम्स वी एज अ सोसाइटी आर नॉट रेडी टू डिस्कस द मेंटल हेल्थ इश्यूज इन ओपन। दैट कैन बी द रीजन। आपने कहा संजू इज सफरिंग फ्रॉम PTSD। यस। इज दैट अ मेंटल इलनेस? यस। क्या आप किसी मेंटली इल आदमी की बात पे विश्वास कर सकते हैं? देखिए, संजू मेंटली बीमार है, ही इज नॉट इनसेन। डॉक्टर आपने संजू को डायग्नोस कैसे किया? स्ट्रेस इंपैक्ट असेसमेंट टूल्स के जरिए हम ये टेस्ट करते हैं। डॉक्टर क्या ये टेस्ट कोई फेक कर सकता है? यस, इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, आज कंप्लेनेंट ने अपने झूठ की किताब में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। जिस मेडिकल असेसमेंट का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, उसे कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करके कंप्लेनेंट को विक्टिम की तरह दिखाना, ये प्रोसिक्यूशन की मानसिकता को दर्शाता है कि वो ये केस प्रूफ करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हादसे की रात आप द्वारका रोड पर क्या कर रहे थे? रोज रात को ही जी हम पेट्रोलिंग ड्यूटी पर होते हैं, और उस रात भी हम पेट्रोलिंग ड्यूटी पर ही थे। उस रात आपने गाड़ी का पीछा क्यों किया? जी यूजुअल राउंड अप पे थे, हमने देखा जी कोई बड़ी गुस्ताखी से गाड़ी चला रहा है। और फिर जी हमने देखा जी अचानक उस गाड़ी में से दो लड़कियां गिरी हैं, उन्हें देखकर हम भी रुक गए जी। उन्हें देखकर आपको क्या लगा, कि उन्हें किसी ने गाड़ी से बाहर फेंका है या वो खुद गाड़ी से कूदी थी? नहीं जी, बाहर फेंका था जी, और इन चीजों का हमें बड़ा एक्सपीरियंस है जी। रास्ते पर उनकी हालत कैसी थी? और जी उन्हें देखकर ही लग रहा था कि उनके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है जी। सर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे, बहुत बुरी हालत थी जी। थैंक यू बलविंदर जी। बलविंदर जी। जी मैडम जी। क्या आपको अपनी पुलिस ट्रेनिंग याद है? हाँ जी बिल्कुल याद है जी, हम कभी कुछ नहीं भूलते। तो उस दिन गाड़ी का पीछा करते हुए आपने कंट्रोल रूम को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? जी जरूरत ही नहीं पड़ी जी, हम इन द एक्शन में थे जी, हम चेजिंग कर रहे थे। चेजिंग कर रहे थे? हाँ जी। तो फिर जिस गाड़ी को आप चेज कर रहे थे उसका नंबर तो नोट डाउन किया होगा? नहीं जी, मैंने बताया ना जी आपको कि हम इन द एक्शन में थे, इसीलिए जी हम। तो आपने उन दोनों को गाड़ी से गिरते हुए देखा और आपने गाड़ी रोक दी? हाँ जी। चोट तो बहुत लगी होगी उनको? हाँ जी बहुत लगी थी जी। फिर आपने एम्बुलेंस बुलाई होगी? नहीं जी, उन दोनों को देखकर लगा कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उन्हें आपकी गाड़ी में कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता जी? क्या हो जाता हमारी गाड़ी में? मुझे भी नहीं पता, इसीलिए तो लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं। क्यों बलविंदर जी, आपने कंट्रोल रूम को कॉन्टेक्ट नहीं किया, आपने गाड़ी का नंबर नोट डाउन नहीं किया और आपने एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई। आपको आपका काम तो ठीक से समझ नहीं आता, लेकिन आपको ये समझ में आता है बिना देखे कि उन्हें गाड़ी से फेंका गया था, वो वहां से कूदे नहीं थे? देखिए मैडम जी, हमें उस रात जैसा लगा हमने वैसा किया। सर बलविंदर जैसे ऑफिसर्स ने पुलिस गाइडलाइंस को एक जोक बना के रख दिया है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इनकी गलतियों से मेरे क्लाइंट्स जैसे लोग कितना सफा करते हैं। बलविंदर जी, इस कोर्ट को एक बात बताइए, जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप एविडेंस की तलाश करते हैं? हाँ जी। और एविडेंस मिलता है तो आप चार्जशीट फाइल करते हैं? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इस केस में एविडेंस ना होने के बावजूद आपने चार्जशीट फाइल क्यों की? मैडम जी किशन का बयान था, और किशन ने ही हमें गाड़ी की लोकेशन बताई थी, और उस गाड़ी के अंदर से हमें देवी का मोबाइल, उसके अंदर की फोटोग्राफ्स और कांच की बोतल के टुकड़े और ये सब बरामद हुए थे, और ये सब बातें किशन के बयान में जी शामिल है, और फोरेंसिक रिपोर्ट में ये सब डिटेल में मेंशन है। और एक बात बताऊं मैडम जी, ये सारी चीजें हमारी इन्वेस्टिगेशन की वजह से बाहर। किसी को जबरदस्ती बयान दिलाने को इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते। जब एक केस एक सीनियर पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया जाए और उसे एक जूनियर PSI हैंडल करे, उसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते। मेरे क्लाइंट्स की गाड़ी में झूठे एविडेंस प्लांट करने को इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते। आपने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अपने ही रंग में रंग दिया है। योर ऑनर, गाड़ी से चाकू मिसिंग होना ये प्रूफ करता है कि किस तरीके से पुलिस ने अपनी सहूलियत के लिए इस केस को तोड़ा मरोड़ा है। बलविंदर जी आखिरी सवाल,
जब संजू आपके पास FIR लिखवाने आया था तो आपने उसकी FIR लिखने से मना कर दिया था। जी। क्यों? क्योंकि वो एक लड़का है मैडम जी, और वो बार बार कह रहा था कि उसके साथ रेप अटेम्प्ट हुआ है। That's all, Your Honor. केशव जी, do you have any more witness whom you want to produce before the court? No, Your Honor. Prosecution rests its case. ठीक है। ये कोर्ट पोस्ट लंच प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के फाइनल आर्गुमेंट सुनेगी। प्लीज योर ऑनर। तो केशव जी, फाइनल आर्गुमेंट शुरू किया जाए। प्लीज योर ऑनर। योर ऑनर, जब ये केस मेरे डेस्क पे पहुंचा तो मुझे लगा ये केस बहुत ही डिफिकल्ट केस है। सारे फैक्ट्स और एविडेंस आंखों के सामने थे, पर माइंड चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहा था। यहाँ मौजूद कई लोगों की तरह मुझे भी ये मानने से इनकार था कि रेप किसी लड़के के साथ कैसे हो सकता है। रेप बाय डेफिनेशन इज टू अकर विद वुमन। डिफेंस ने एकदम सही कहा था, पर सारे कागजी और जुबानी सबूत इस केस को पानी की तरह साफ कर देते हैं। प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर वन कंप्लेनेंट के मन में एक पल भी संदेह नहीं था जब उसने उन लोगों की पहचान करवाई जिन्होंने गाड़ी की पिछली सीट पर उनके साथ रेप करने की कोशिश की। किशन का हॉस्टाइल होकर अपनी कहानी से मुकर जाना मुझे ज्यादा अचंभित नहीं करता। ये आरोपियों के स्वर और स्वभाव को दर्शाता है। किशन का कहना कि संजू और देवी लुटेरे हैं एकदम बेबुनियाद है। डिफेंस भले ही इस कहानी को रेगिस्तान में किसी प्यासे की तरह पी गया हो, लेकिन उनकी कहानी पर एक पल के लिए भी विश्वास किया जाए तो वो कोर्ट को ये क्यों नहीं समझा सकता कि अगर लूट की कोशिश हुई तो वो चाकू कहाँ है, कि अगर लूट की कोशिश हुई तो चोट सिर्फ संजू और देवी को क्यों आई, कि अगर लूट की कोशिश हुई तो आरोपी पुलिस को देखकर भागे क्यों, कि अगर लूट की कोशिश हुई तो आरोपियों ने इन पर केस क्यों नहीं किया, कि अगर लूट की कोशिश हुई तो। एक बहुत बड़ा अगर है योर ऑनर, जिसका जवाब डिफेंस के पास नहीं है। सर, जैसा कि आप जानते हैं, संजू और देवी की सबमिटेड मेडिकल रिपोर्ट में उनकी बॉडी पर जबरदस्ती के निशान, उनकी कलाइयों पर रस्सियों के मार्क्स और उनके मुंह के आसपास रगड़ के निशान मिले हैं। इससे ये साबित होता है कि उस रात इन दोनों को बंदी बनाकर कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जिसमें एक्यूज्ड काफी हद तक सक्सेसफुल भी थे। इसलिए उनका ये कहना कि गाड़ी के अंदर सिर्फ एक स्ट्रगल चल रहा था और विक्टिम्स के पास हथियार होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाए, इस बात को खारिज करता है। सर, संजू का भाई आज कोमा में है। इसके जिम्मेदार वो बियर बॉटल और वो पत्थर नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने इन दोनों भाइयों को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठाकर रेप करने की कोशिश की और फिर बड़ी क्रूरता से गाड़ी से बाहर फेंक दिया। एक्यूज यहां अपने हेल्पिंग नेचर की वजह से नहीं है, बल्कि अपनी दूषित सोच और कंप्लेनेंट के साहस की वजह से है। वैसे डिफेंस ने विटनेसेस को बुली करने में कोई कसर नहीं रखी। संध्या इज अ गुड एग्जाम्पल कि लोग क्यों कोर्ट आने से डरते हैं, जहां हम विक्टिम्स को एक्यूज्ड बना देते हैं और विटनेसेस को एक्यूज्ड की तरह ट्रीट करते हैं। और इस कोर्ट से बाहर एनजीओ और पुलिस जैसे संस्थान जो अपने संवेदनशील होने की डींगे हाँकते हैं, वही हमारी प्रॉब्लम्स को लेकर संवेदनहीन है। और यही हिपोक्रेसी सोसाइटी में भी मौजूद है, जहां हम अपनी सहूलियत के हिसाब से मर्द और औरत को देखने का नजरिया बदल देते हैं। सर, मर्द हो या औरत, उसे उसकी मर्जी के बगैर छूना ही काफी होता है उसे ट्रॉमेटाइज करने के लिए। और जब संजू जैसे लोग मीडिया के पास जाते हैं तो हम उसे मीडिया स्टंट का नाम देकर नकार देते हैं। सर, रेप इज अ क्राइम विच इज मोर मेंटल देन फिजिकल, जहां विक्टिम बाहर तो एक लड़ाई लड़ ही रहा होता है, लेकिन खुद के अंदर एक उससे बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है, जिसे हारना जिंदगी हारना हुआ। सर, इस केस को प्रूव करने के लिए मुझे और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, डॉक्टर वीना का मेडिकल सर्टिफिकेट और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भान के सेशन नोट्स वर्ड बाय वर्ड कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट को फैक्चुअली कॉरोबरेट करता है और इस बात को सपोर्ट करता है कि विक्टिम आरोपी नहीं, पीड़ित है। सर, एक क्राइम को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? मोटिव, इंटेंशन, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन। उस रात संजू और देवी को देखकर आरोपियों ने गाड़ी यू टर्न मार ली, फिर जबरदस्ती उनको गाड़ी के अंदर धकेला, रस्सी और कपड़ों से उन्हें फोर्सफुली कंट्रोल करना चाहा और उनके साथ गैंगरेप करने की कोशिश की। द एक्यूज्ड हैड कम प्रिपेयर्ड विद क्लियर मोटिव एंड इंटेंशन, बस एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। सर, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, मैं इस कोर्ट से फिर एम्फेसाइज करूंगा कि इस केस का वर्डिक्ट देने से पहले आरोपियों के इंटेंशन को समझा जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। आई होप आई वॉज एबल टू असिस्ट दिस ऑनरेबल कोर्ट। शालिनी जी, शुरू कीजिए। सपोज मुझ पे किसी के खून का इल्जाम लगाया जाता है, मुझे उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, तो उसे प्रूफ करने के लिए किसी का मरना जरूरी है।
ठीक उसी तरह अगर रेप होता है तो औरत का होना जरूरी है। इस कोर्ट में पिछले कुछ दिनों में हुए आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स को सुनकर मेरे जहन में एक ही लफ्ज है जो इस केस के पहले दिन था, मजाक। मजाक जो इस इंस्टीट्यूशन, इस जुडिशरी और मेरे क्लाइंट्स के साथ हो रहा है, क्योंकि इस पूरे केस की नींव ही डाउट है। बट इवन व्हेन डाउट अराइजेस, डाउट रिमेन्स अ डाउट इन द एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल एविडेंस। और सर, इस केस में मटेरियल एविडेंस क्या, किसी भी किस्म का एविडेंस नहीं है। प्रोसिक्यूशन की स्पीच काफी अच्छी थी, बट दैट्स ऑल इट वॉज, अ स्पीच। वो भूल गए थे कि वो कोर्ट में है, पार्लियामेंट में नहीं। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस केस हम पहले दिन से देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन कैसे कंप्लेनेंट को मेरे क्लाइंट्स के चेहरे पहचानने की ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन हम कोर्ट के सामने ये प्रूफ कर चुके हैं कि संजू नट्टू को पहचानने में नाकामयाब था। क्या इस तरह से क्रिएट किए गए एविडेंस और विटनेस के बेसिस पे मेरे क्लाइंट्स को जज किया जाएगा? नहीं। सर, किशन ने बहुत हिम्मत दिखा के सच्चाई का साथ दिया और संजू और देवी जैसे शातिर लोगों की साजिश को उजागर किया, जिस साजिश का हिस्सा संध्या भी है। सर, संजू और देवी जैसे 20-22 साल की उम्र के लड़कों को क्या चाहिए? मॉल में शॉपिंग करना, महंगे कपड़े पहनना, दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना और एक हाई क्लास जिंदगी जीने के सपने देखना। और ऐसे सपने देखने में उनकी मदद करती है संध्या जैसी लड़की। दैट्स वाई संध्याज इन्वॉल्वमेंट विद संजू एंड देवी इज पार्ट ऑफ अ बिगर कॉन्स्पिरेसी। और इस कोर्ट को ये बात समझनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 3, डॉक्टर वीना दीक्षित। अब उनके बारे में मैं क्या कहूं? उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से फॉलो नहीं की, भला ही वो पेशेंट के साथ हो या सिस्टम के साथ। लेकिन अगर हमारे इंस्टीट्यूशन के केयरटेकर्स ही अपनी ड्यूटी निष्पक्ष तरीके से नहीं निभा सकते, देन व्हाट द हेल आर वी आर्ग्यूइंग हियर फॉर? डॉक्टर वीना दीक्षित ने अपनी लिमिटेड नॉलेज और एक्सपर्टीज से संजू और देवी की बॉडी पे लगे मार्क्स को डिक्लेयर कर दिया दैट दे आर अ रिजल्ट ऑफ फोर्सफुल फिजिकल कंट्रोल विद स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटेंट। एब्सोल्युटली रिडिकुलस। सच तो ये है कि उस रात मेरे क्लाइंट्स पे गाड़ी के अंदर हमला हुआ। सेल्फ डिफेंस में उन्होंने हाथापाई की, जिसकी वजह से संजू और देवी को चोट लगी और उनके कपड़े फटे। यहां तक कि कंप्लेनेंट के भाई के डॉक्टर ने भी कहा है दैट इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्ट दैट कॉज्ड द क्लॉट्स। अब ऐसे में कंप्लेनेंट के भाई का कोमा में जाना या तो उसकी बदकिस्मती है या उसकी बेवकूफी। इसके बावजूद सर, इस कोर्ट में मेरे क्लाइंट्स को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे वो कोई खूनी दरिंदे हो जो राह चलते लोगों को पकड़ के पहले उनका रेप करते हैं फिर उन्हें कोमा में डाल देते हैं। सर, ये बात सच है कि मेरे क्लाइंट्स ने वो वारदात पुलिस को रिपोर्ट नहीं की, लेकिन अगर जाते भी तो ऐसी पुलिस के पास जो चाकू जैसे प्राइमरी एविडेंस को गायब कर देती है, जो कि अगर आज मौजूद होता तो ये केस कुछ और ही होता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह जानते थे कि आईपीसी सेक्शन 376D के तहत लड़कों के साथ रेप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कंप्लेनेंट की FIR पहली बार में ही हो जाती। बट अगेन, जो पॉसिबल नहीं है उसका अटेम्प्ट कैसा? इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह फिर भी पुशिंग द लिमिटेशंस ऑफ हिज लिमिटेड ब्रेन एंड इमेजिनेशन चार्जशीट फाइल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल से बचने के लिए। मीडिया के प्रेशर में आके इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह हैज कमिटेड दिस ब्लंडर। सर, मैं बहुत सालों से लॉ प्रैक्टिस कर रही हूं और एक बात पूरे यकीन के साथ कह सकती हूं दैट द इंटेग्रिटी ऑफ द लॉ कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। द लॉ इज द लॉ। अगर लड़कों के साथ रेप पॉसिबल होता तो इंडियन जुडिशरी में पहले ही इसके ऊपर प्रावधान आ चुका होता। सर, द एपिटोमी ऑफ आवर एंटायर क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड दिस केस इज नथिंग बट अ वेब ऑफ लाइज एंड डाउट्स। क्या इस कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस केस से मेरे क्लाइंट्स की जिंदगी पे क्या असर हो रहा होगा? उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके भी कुछ ख्वाब हैं, उनके कुछ एम्बिशंस हैं। लेकिन हम उनके ट्रॉमा और विक्टिमाइजेशन के बारे में ना कभी कोई बात करते हैं, ना कभी कुछ सुनते हैं। विदाउट नोइंग द एंटायर ट्रूथ, एवरीबडी इनसाइड एंड आउटसाइड दिस कोर्ट इज सिटिंग विद अ स्टैम्प टू डिक्लेयर माय क्लाइंट्स क्रिमिनल्स। सर, ये कोर्ट जिस नींव पे टिका है उसके प्रिंसिपल्स, उसके वैल्यूज और उसके ऑब्जेक्टिव्स मेरे क्लाइंट्स के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट दिस कोर्ट टू क्लियर माय क्लाइंट्स ऑफ ऑल द चार्जेस और उन्हें एक क्लीन एक्विटल दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। We'll be right back.
सेशंस केस नंबर 81-2016, स्टेट बनाम यश अग्रवाल एंड अदर्स। तो मैं इस केस की वर्डिक्ट की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। फर्ज कीजिए, केशव जी ने आज कोर्ट से बाहर निकलते वक्त सोचा कि वो शालिनी जी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देंगे। इमेजिन, शालिनी जी, केशव जी, डोंट माइंड। हाँ, अब केशव जी ने शालिनी जी को रास्ते में चलते हुए देखा। केशव जी गुस्से से लाल हैं, उन्हें शालिनी जी को मारना ही था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शालिनी जी ने उन्हें कोर्ट में कुछ बोलने ही नहीं दिया। अब गुस्से से लाल केशव जी जोर से एक्सेलरेट करते हुए शालिनी जी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं। पर फिर अचानक से वो अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देते हैं और उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है। अब केशव जी हॉस्पिटल में है, उनकी मानसिक स्थिति खो चुकी है। नेचुरली मामला कोर्ट तक पहुंचा। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि शालिनी जी का मर्डर केशव जी ने किया है, पर डिफेंस तो कहता है नहीं, ये मर्डर है ही नहीं, क्योंकि केशव जी तो पागल है और पागल को हम सजा नहीं दे सकते। पर कोर्ट में जज ने बताया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज केशव जी पागल है या नहीं, लेकिन मुझे यह जानना जरूरी है कि उन्होंने जब शालिनी जी को उड़ाया था तब वो पागल थे या नहीं। यह पूरी कहानी इंटेंशन और मोटिव की है। इंटेंशन यानी इरादा, किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे अहम चीज। इरादा बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि किस उद्देश्य से उस काम को किया गया था। मैं इस केस में सिर्फ उन 20 मिनटों को जज करने के लिए यहां बैठा हूं जिसके दौरान यह हादसा हुआ था। डिफेंस ने सही कहा है कि सेक्शन 376D के मुताबिक गैंग रेप कैन हैपन ओनली टू ए वुमन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पर डिफेंस ने यह भी माना कि उस रात आरोपियों ने कंप्लेनेटर उनके भाई को लड़की समझा था। उस रात हॉस्टल में एंट्री दो लड़कियों को ही मिली थी। जब ये बाहर कूदे या फेंका गया तब भी ये लड़की ही थे और पुलिस भी इन्हें लड़की समझकर हॉस्पिटल में ले गई थी। सो दिस इज प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स कि सिर्फ उस 20 मिनटों के लिए ही नहीं, उससे पहले और उसके बाद जो भी उनसे मिले थे लड़की समझकर मिले थे। जब बात उन 20 मिनटों की है, फिर कोर्ट भी उन्हें लड़की ही क्यों ना माने। लेट्स डिसाइड अबाउट द फैक्ट नाउ कि कंप्लेनेंट और उनके भाई ने लड़की बनकर आरोपियों से लिफ्ट ली थी या आरोपियों ने उन्हें लड़की समझकर जबरन गाड़ी में उठाया था। अगर कंप्लेनेंट और उनके भाई ने गाड़ी के अंदर एक्यूज को अटैक किया था तो फिर एक्यूज के शरीर पर घाव या चोट ना होना विल बी द फर्स्ट इन माई कैरियर। जब अटैक करने वाले पर तो घाव और चोट का निशान है पर विक्टिम्स पर नहीं। गौरतलब है कि डिफेंस कन्विंस करने में भी नाकामयाब रहा कि उस रात उनके क्लाइंट्स ने उनके ऊपर हुए हादसे की रिपोर्ट नहीं लिखाई। हालांकि प्रोसीडिंग्स के दौरान एक्यूज्ड ने उस रात के एक्सपीरियंस और रिलेटेड ट्रॉमा का बड़े ही विस्तृत रूप से वर्णन किया। बट फिनेंशियली और फिजिकली एबल होने के बावजूद स्टेट मशीनरी और टूल्स का इस्तेमाल ना करना, कंप्लेनेंट और उनके भाई को गंभीर रूप से चोट पहुंचाना और पुलिस को देखकर घटनास्थल से भाग जाना सजेस्ट एक्यूज्ड ऑफ मेंस्ट्रिया। गिल्टी माइंड, आपराधिक मानसिकता। ऑन द अदर हैंड वी नो कि कंप्लेनेंट ने इस केस को दर्ज कराने में काफी स्ट्रगल किया, फिर भी सब कहने और समझने के बावजूद दिस इज ट्रू that there are doubts in this case. Defense has rightly said, doubts remain doubts in absence of material evidence. Halanki, intention or motive, crime ko prove karne mein bada hi ahem role nibhate hain. So this is proven beyond reasonable doubt ki us raat aaropiyo ne complainant ko ladki samjha. Complainant aur unke bhai ke sharir pe ghav aur chot ke nishan proves beyond reasonable doubt the sexual intent of the accused to cause pain before pleasure. Doctor ki report aur Inspector Balwinder Singh ke witness statement se ye aur clear ho jata hai ki complainant aur unke bhai ki body ki chot
सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं है, उन्हें गाड़ी के अंदर मारकर कंट्रोल किया गया था। ये सभी बातें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करती है एक्यूज के इंटेंशन और मोटिव को। इनके इंटेंशन थी लड़कियों को उठाने की और इनका मोटिव उन्हें रेप करने का था। ये कोर्ट सेक्शन 376D रेड विथ 511 अटेम्प्ट टू गैंग रेप के साथ बाकी सेक्शंस, नेमली सेक्शन 326 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, 367 एबडक्शन और किडनैपिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट ए पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट के तहत सभी एक्यूज्ड को दोषी करार देती है और उन्हें 10 साल की कड़ी इंप्रिजनमेंट के साथ साथ पीड़ितों को 3-3 लाख रुपया हर्जाना देने की आदेश देती है। रेप इन इट्स एनी फॉर्म इज हॉरिफिक, बट दिस केस हैज ब्रॉट मेनी थिंग्स टू लाइट। आई फील द जज हु होल्ड्स द सोर्ड ऑफ जस्टिस हैज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। मैं लेजिस्लेचर को सजेस्ट करना चाहूंगा कि रेप सेक्शंस में आदमियों के लिए भी विस्तृत प्रावधान लाया जाए। Yeah.